क्या आगामी उपचुनाव में भाजपा अपने सहयोगियों को भी देगी कुछ सीटें या भाजपा सभी 10 सीटों पर लड़ने जा रही है ये उपचुनाव? इन 10 सीटों पर कौन होगा एनडीए का प्रत्याशी? नमस्कार, मेरा नाम है विवेक राय, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर चाहे एनडीए खेमे की बात की जाए या इंडिया खेमे की बात की जाए या बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, सब ने अपने अपने तरीके से बिसाते बिछाना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अलग अलग बैठकें करके प्रभारी तक नियुक्त कर दिए हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में 2 सीटें मुख्यमंत्री ने अपने पास रखी हैं, जिसमें कटहरी जो कि अम्बेडकर नगर की सीट है, इसके अलावा जो अयोध्या की सीट है मिल्कीपुर, ये 2 सीटें मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इन दोनों के को भी 2-2 सीटें जिताने की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको भी 2 सीटों की जिम्मेदारी मिली है। प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह को भी 2 सीटों की जिम्मेदारी मिली है। इन सबके बीच सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जो 2 सहयोगी दल लंबे समय जब से उपचुनाव की बात शुरू हुई है तब से जो सीटों की डिमांड कर रहे हैं, क्या उनको सीटें मिलने जा रही हैं या इन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी निषाद पार्टी ने इस बात का दावा अलग अलग समय पर किया है कि जो अंबेडकर नगर की कटहरी की सीट है वहां से पिछली बार उनका प्रत्याशी चुनाव लड़ा, तो उनके सिंबल पर जो प्रत्याशी था वो चुनाव लड़ा था, इसलिए अगर वहां उपचुनाव हो रहा है तो इस बार फिर से उनके सिंबल पर ही वहां का प्रत्याशी उतारा जाना चाहिए। इसके अलावा जो मझवा की सीट है वहां पर भी निषाद पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ा था और इसलिए निषाद पार्टी की डिमांड है कि मझवा की सीट भी उनको दी जाए। वहीं अगर रालोद की बात की जाए तो रालोद का जो विधायक है वो मीरापुर की जो सीट है वहां से रालोद के सिटिंग विधायक है जो कि अब सांसद हो गए हैं। रालोद का मानना है कि मीरापुर और जो खैर की सीट है ये उसके पास जानी चाहिए। हालांकि रालोद ने खुले तौर पर खुले मन से कभी सीटों की डिमांड नहीं करी, लेकिन अंदर खाने इन दोनों सीटों को लेकर रालोद के मन में इस बात की रालोद इस बात को लेकर के चर्चा करती है कि ये दोनों सीटें अगर मिलती है तो वो इन जगहों पर अच्छी लड़ाई लड़ेगी। पर जिस तरीके से भाजपा ने इस पूरी जो 10 सीटें हैं उसको अपना एक 2024 के चुनाव के जो परिणाम आए उसके बाद जिस तरीके से भाजपा इन 10 सीटों को लेकर के लगातार तैयारी कर रही है, भाजपा के अंदर खाने लोगों का इस बात का मानना है कि जो 2024 की कहीं ना कहीं एक जो सीटें कम हुई हैं वो अगर ये 10 की 10 सीटें भाजपा जीतती है तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश होगी। और योगी आदित्यनाथ इसके लिए लगातार जो बैठकें हैं वो भी कर चुके हैं। उसके बाद हमने देखा कि पिछले दिनों कैसे वो अयोध्या भी गए, कटहरी भी गए, केशव मौर्य ने अभी आज से 2 दिन पहले किस तरीके से योगी की अपने सभा में तारीफ तक कर दी। तो भाजपा लगातार बिसात बिछा करके और विपक्षियों को करारा जवाब देने के लिए अपनी पूरी तैयारी में जुट गई है। पर सवाल अभी भी यही है कि क्या भाजपा 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है या अपने सहयोगियों को भी अपना जो सिंबल है या जो टिकट है वो देगी। इसमें डॉक्टर संजय निषाद अपने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात की मांग कर चुके हैं कि वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर सीटों के बंटवारे को लेकर के भाजपा ने अपने किसी भी सहयोगी के साथ बातचीत नहीं की है, पर अभी भी यही देखना दिलचस्प होगा कि क्या सहयोगियों को टिकट मिलता है या भाजपा अकेले चुनाव मैदान में जाती है। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।